नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि काई मास्टर से पूरी एडिटिंग कैसे करें। तो दोस्तों, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं और वो तो दोस्तों एडिटिंग के लिए सबसे बेहतरीन ऐप है काई मास्टर। तो दोस्तों, काई मास्टर पर अभी आप लोगों को हम एडिटिंग करने का पूरा प्रोसेस दिखाएंगे और कैसे एडिटिंग करेंगे वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इसे दबा दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, चलो चलते हैं, मोबाइल स्क्रीन पे दिखाते हैं एडिटिंग कैसे करेंगे। बाद में करेक्ट नो पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में 16.9 इस पे ही क्लिक रहने देना है और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में जैसे आपने कोई एक वीडियो बनाया है, अभी मैं मान लो कोई वीडियो एक ले रहा हूँ, जैसे मैंने ये वीडियो एक ले लिया, ये एक वीडियो ले लिया और इसमें मुझे एक और स्क्रीन चलानी है जो मैंने रिकॉर्ड की है, वो इस पे लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद में लिखा है मीडिया, मीडिया पर क्लिक करना है। इसके बाद में मान लो कोई आप स्क्रीन रिकॉर्ड किए हो, जैसे मैंने ये स्क्रीन रिकॉर्ड की थी, तो इस पर क्लिक करना है और ये कुछ इस तरीके की आ जाएगी। आपको सेट कर लेना है अपने साइज से। इस तरीके से जैसे मैं इतनी ही स्क्रीन रिकॉर्ड चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करना है और ये कैंची की तरह एक चिन्ह बना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में लिखा है इधर को एक टुकड़ा है, एक उधर को है और बीच में प्लस है, तो इस पर क्लिक करना है। तो ये हो गया इस तरीके का। और इस वाला मिटाना है तो इस पर क्लिक करना है। अगर उस वाला ये वाला मिटाना है तो इस पर क्लिक करना है। ये वाला मिटाना चाहता हूँ मैं तो इस पर क्लिक करके ही मैं इसको मिटा दिया। ठीक है, इसको मिटाने के बाद में इतना मैंने निकाल लिया है सेफ बिल्कुल। और आपको देखो इस तरीके का चलाना है। और साइड में ये स्क्रीन चलने, इसको अपनी इस तरीके से सेट करके और यहाँ पे अपना मोबाइल अगर लगाना चाहते हो तो मैं अभी बता रहा हूँ मोबाइल लगाने को। इस पर क्लिक करना है, फिर लेयर पे क्लिक करना है, फिर मीडिया पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद मैंने ये डाउनलोड देखो किया था। अगर ये आप डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। मैं डाउनलोड पे क्लिक कर लिया हूँ और ये मोबाइल को ले लिया। इस तरीके से अपने मोबाइल को यहाँ पर इस तरीके से सेट कर देना है। इस तरीके के वो अपने मोबाइल को सेट कर देना। और इसी तरीके से जितने जितनी आपने स्क्रीन रिकॉर्ड की थी उतने में ही लगा लेना है इसको और इस तरीके से कर देना है। बिल्कुल मोबाइल की तरह हो गया ये। और जैसे आप चलाना है आप लोगों को, आप लोगों को मान लो कोई एक और आगे वीडियो जोड़ना है तो इस पर मीडिया पे क्लिक करके और यहाँ से अपना कोई भी वीडियो यहाँ से लेके सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद में बेल आइकन लगाने की ट्रिक मैंने एक वीडियो में बताई है, आप वहां से देख लीजिए। उसका मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लेना है और एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा। तो दोस्तों इसी तरीके इस पे क्लिक करना है, बस आप लोगों को इस तरीके से क्लिक कर लेना है। और यहां पे लो क्वालिटी लिखिए, आपको हाई क्वालिटी करना है, बस आपको हाई क्वालिटी कर लेना है। और यहाँ पर देख लेना है HD 720 FHD 1080 पे क्लिक करना है और इसको 30 पे क्लिक रहने देना है और बस इसको सेव कर देना है। आपका ये आप देखो, अभी आप लोगों को चला के वीडियो दिखा रहे हैं कि चल रहा है वीडियो कि नहीं। इस पर क्लिक कर लिया, ये देखो चल रहा है वीडियो।
ये देखो मोबाइल आ गया। इसी तरीके से आपको भी बना लेना है, सेट कर लेना है। बहुत अच्छा ये बनाता, इसमें देखने वालों को भी अच्छा लगेगा। तो कैसा लगा वीडियो, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।